की भांत, जैसा कि आप सभी लोग देखते आ रहे हैं कि यहाँ कोटेश्वर मेला दीपावली के पहले प्रारंभ होता है और ये कार्तिक पूर्णमासी का समय है और इस मेले का प्रारंभ हमारा पशु मेले से होता है और विभिन्न किस्मों के पशु खास तौर से घोड़ा और घोड़ी के लिए ये मेला प्रसिद्ध है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा आयोजित होने वाला घोड़ी और घोड़ों का अगर कोई व्यापारिक मेला है तो वो कोटेश्वर, क्योंकि ये भगवान शंकर का पवित्र स्थान है और यहाँ पर जो है पशुओं का बड़े स्तर पर आयोजन होता है। इसीलिए जिला पंचायत प्रतिवर्ष इस मेले में एक पशु प्रदर्शनी का आयोजित करता है कि ताकि जो भी लोग पशु लेके आए हैं वो अपने आपस में एक कंपटीशन कर सकें, प्रतिस्पर्धा आपस में डेवलप हो, ताकि लोगों को लगे कि अगर किसी का पशु फर्स्ट आया तो उसका पशु क्यों आया, उसने क्या अच्छा किया है, इसी को ध्यान में रखते हुए ये मेला, ये प्रदर्शनी आयोजित कराई जाए। और आज इस प्रदर्शनी में हमारे जनपद के बहुत सारे पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी, हमारे चतुर श्रेणी कर्मचारी, पैरावेट बंधु सभी आए हुए हैं और इन लोगों ने विभिन्न श्रेणियों में पशुओं को बांट के यहाँ पर पशुओं का चयन किया है और 5 उत्तम पशुओं को जो है फर्स्ट इनाम दिया गया है और हम यही आशा करते हैं कि इस प्रदर्शनी से ये संदेश जाए कि लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से पशुओं का पालन करें। सीओ साहब लेट आए, थोड़ा सा कार्यक्रम लेट क्यों हो रहा है? दीपक नथीलाल इस साइड में, आकाश राकेश, राजेश कुमार जनव राम प्रकाश, राजेश प्रेमी, संजेश सरव विजय सिंह, ब्रजेश इतने लोगों को सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। अरे भाई सुनो, तुम यार कुछ सुन रहे, ये सांत्वना पुरस्कार दिलवाओ ना इन्हें, ये जो मैंने नाम बोले नीरज विजय कुमार आए हैं, सब लोग दे दो, कुसुमा विजय कुमार, दूसरे और लोग आ जाओ भाई, आते हो, राजकुमार प्रेम शंकर, दीपक नथीलाल, अरे और लोग आने दो भाई, और सब लोग दिलवा दो, आते जाओ कम से कम मंच पे आओ, देखो भाई चांदनी हरिओम।